आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बता देती हूं जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि आज हम श्री राम का टाइम मशीन टेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये कि श्री राम की जिंदगी की तारीखों को खोज रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई क्या क्या कह रहे हैं आप, जवाब आपके सामने है। ये तारीखें साइंटिफिक तरीके से आपके सामने रखी है, लाइव ये तारीखें रखी गई हैं और इसके पीछे गहन शोध हुआ है, 9 साल की कड़ी रिसर्च, और उसके बाद ये दावा किया गया है कि यही वो तारीखें हैं। ये देखिए फटाफट से आपके सामने है, खरदूषण के युद्ध की तारीख 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व, जो ग्रह नक्षत्र वहां पर वाल्मीकि रामायण में जिनका जिक्र किया गया है उनके लिहाज से ये सारी चीजें जब रखी गई उस सॉफ्टवेयर में तो ये तारीखें निकल कर आई है। अशोक वाटिका में सीता जी से हनुमान कब मिले थे, 12 सितम्बर 5076 ईसा पूर्व। श्री राम के जन्म की तारीख नोट कर लीजिए 10 जनवरी 5114। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी लंका दहन करके वापस लौट रहे हैं, वापस आने की वो तारीख भी आपके पास है और उसका वर्णन आप बता रही हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर किया भी गया है। स्क्रीन पर भी डिस्क्राइब साथ ही साथ हम करते रहें तो बेहतर रहेगा वो। और मैं ये बता देती हूँ आपको, बहुत सारे ट्वीट्स हमें आ रहे हैं, वो जो सेलेस्टियल मूवमेंट होता है भटनागर साहब वो भी देखना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल आपने हर तारीख को खोजने के लिए किया है। पहले वो तो दिखाना चाहेंगे। हाँ, वो अगर हम दिखा दें तो वो हम एक्सप्लेन कर दें। वो सेलेस्टियल मूवमेंट जो हमने छोटी सी क्लिपिंग यहाँ रखी है, वैसे तो लाइव भी दिखाई जा सकती है, तो उसमें वाल्मीकि जी ने जब श्री राम के जन्म के समय की ग्रहों नक्षत्रों की वर्णन किया, वास्तव में वो 2 साल पहले से वो वर्णन करना शुरू हो गए। हाँ। और फिर राम के जन्म से पहले 4 घंटे पहले से उन्होंने बताना शुरू किया। सभी स्थितियां तो ठीक है, सूर्य मेष में और जो हमने बताई है अभी, मगर एक खास बात जो उन्होंने मेंशन की वो ये है कि उस समय चंद्रमा जो है वो पुनर्वासु से जैमिनी से कैंसर की ओर आ रहा था। अच्छा। था पुनर्वासु में, पुष्य नक्षत्र की ओर बढ़ रहा था। और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो सामने बताई दिया कि 10 जनवरी 5114 BC दोपहर के 12:30 बजे। हाँ। क्योंकि 2 घंटे बाद एक राशि बदल जाएगी। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने फिर वर्णन किया कि भरत का जन्म किस नक्षत्र में हुआ, कौन सी राशि उदय हो रही थी, वो अगले दिन सुबह 7:30 बजे आता है। क्या वो सकते और ये एक्सप्लेन करेंगे उससे, तो ये स्टार्ट कर दिया, तो वो 2 दिन का सीक्वेंस हमने यहाँ रनिंग करा है और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। जी आपने देखा किस तरह से सूर्योदय हुआ। हाँ। और सूर्य दोबारा प्ले कर सकते हैं हम अभी, बस ये इसके आगे चलो इतना थोड़ा सा। हाँ। तो सूर्योदय हुआ और सूर्य मेष राशि में है और चंद्रमा आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी ये राइज किया है कैंसर। हाँ, कैंसर से ऊपर है, जैमिनी से कैंसर की तरफ आ रहा है, जैमिनी से कैंसर की तरफ, ये जेमिनी है यहाँ। हाँ। से कैंसर की तरफ यहाँ चंद्रमा है। हाँ, देखिए। हाँ। ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हाँ, जन्म के टाइम जी, और नून यानी दोपहर के टाइम, ये नून नहीं, हाँ ये हो चुका। हाँ। नून निकल गया। हाँ। तो उस समय राम जन्म हुआ, जो मतलब एग्जैक्ट जो चीज वहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, अब मैं रामायण आगे की मूवमेंट देखो, दर्शक मूवमेंट देखना चाह रहे हैं तो जल्दी से मूवमेंट दिखा दीजिए। भरत का जन्म अगली सुबह जब ये देखिए, ये भरत और शत्रुघ्न के जन्म का समय, सूर्योदय हो रहा है अभी, ये देखिए। हाँ, अब बस आ गया, ये है 7:30 बजे। हाँ, ये भरत के जन्म का भरत समय के जन्म का समय। अच्छा। और फिर ये 1:30 बजे बंद करिए, ये शत्रुघ्न। हाँ, ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म का समय, फिर कैंसर राशि उदय हो गई। ठीक है, भरत के टाइम मीन राशि उदय हो गई, इससे अभी कैंसर राशि उदय हो गई। ठीक है, और बाकी ग्रह वही स्थितियां हैं। है। ये देखिए मूवमेंट में भी 48 घंटे की रिकॉर्डिंग जो वाल्मीकि ने करी है, हूबहू आकाश में वही मूवमेंट है, ये हमारा दावा है। प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर यही दिखाती है, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। हम फिर कहते हैं कि हनुमान जब वो लंका दहन करके वापस लौट रहे थे तो वो तारीख क्या थी। हनुमान जी लंका दहन करके वापस आए 14 सितंबर 5076, अर्थात सीता से मिलने के 2 दिन बाद। उन्होंने देखिए, सब दर्शकों को याद होगा कि अशोक वाटिका उजाड़ी, लंका दहन की। हाँ। उसके बाद वापस आए, जल्दी तो बहुत थी क्योंकि उन्होंने राम को सूचना पहुंचानी थी। हाँ। तो इतना सुंदर वर्णन वहां पे जो ग्रहों नक्षत्र राशियों का किया गया है, नक्षत्रों का, ऐसा सुंदर वर्णन कहीं मिलेगा नहीं। वहां
कई श्लोकों में एक्चुअली सुबह 6:30 बजे से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है और कोई 11:30 बजे के करीब वो लंका से रामेश्वरम पहुंच गए हैं। ऐसा हमने कैसे डिटरमिन किया? क्योंकि हमने जो राशियां और नक्षत्र ग्रह वहां बताए गए हैं हमने लंका के लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से उनको देखने का कोशिश किया। आप सबको विदित है कि एक बार में 6 राशियां दिखेंगी, 12 राशियां आकाश में, होराइजन से ऊपर तो 6 ही होंगी। 8 राशियों का जिक्र अगर है तो वो 4 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गई। दो राशियां, एक राशि आएगी 2 घंटे और, सातवीं राशि, आठवीं राशि आएगी 2 घंटे और। तो ये जो है वो पूरी राशियों की मूवमेंट भी उसी तरह चलती है। आपके पास इतना समय नहीं है, हमारे दर्शकों आप हमें इतना समय देंगे नहीं। अगर हमें वो स्लाइड्स एक्सप्लेन करनी हो तो हम 20 मिनट सिर्फ वो स्लाइड्स एक्सप्लेन करने मिली, कैसे एक एक राशि का ग्राफिक डिटेल बना। सरोज जी, इसके लिए मैं अगली बार वादा जरूर कर सकती हूँ कि अगली बार, लेकिन चूंकि एक और तारीख आपके सामने रख दी गई है, उस तारीख को भी नोट कर लीजिए आप। और तारीख के साथ साथ देखिए, बार बार मैं आपको इस बात का एहसास दिला रही हूँ कि जो स्क्रीन आपके सामने है, मेरे ठीक ऊपर देखिए आप, वो श्लोक चल रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए वो श्लोक चल रहे हैं जिसमें उन ग्रह नक्षत्रों का जिक्र बकायदा किया गया है। और उन्हीं ग्रह नक्षत्रों को जब आप इस प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो तारीख, ये जो आप यहां श्लोकों के पास में चलते हुए दिख रहे हैं, 14 सितंबर 5076 ईसा पूर्व को हनुमान लंका दहन करके वापस लौटते हैं प्रभु राम के पास। अगला सवाल, राम के साथ रावण के युद्ध की तारीख भी निकल कर आती है क्योंकि श्लोक में उन सारे नक्षत्रों का भी जिक्र किया है वाल्मीकि ने। मैं एक बात क्लैरिफाई करूं कि वास्तव में वाल्मीकि जी ने युद्ध के समय के नक्षत्रों का वर्णन नहीं किया, नक्षत्र और ग्रह, मगर उन्होंने दिन कितने किस चीज को लगे, मेघनाथ के साथ युद्ध में कितने समय लगा, रावण के साथ युद्ध कब शुरू हुआ, 3 दिन बाद वो पहली विक्ट्री के बाद चला गया, फिर अगले 7 दिन युद्ध में लगे और फिर रावण मारा गया, तो उससे हमने दिनों से कैलकुलेट किया उसके बाद। अच्छा, तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो रावण के युद्ध का जो के साथ प्रारंभ है मेघनाथ के मरने के बाद, अच्छा, रावण के साथ जो युद्ध का प्रारंभ है वो 24 नवंबर 5076 ईसा पूर्व हुआ और रावण का वध 4 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व। अच्छा, लेकिन तो ये डे से 24 नवंबर 5076 ईसा पूर्व को राम के साथ रावण का युद्ध शुरू हो गया था। उस युद्ध कांड में 110 सर्ग में अवेलेबल है, ठीक है। तो 24 नवंबर 5076 ईसा पूर्व ये तारीख भी नोट कर लीजिए। दावा ये कि राम और रावण के युद्ध की तारीख है ये 24 नवंबर। अब जरा मैं ज्योग्राफी पर एक बार फिर से लौट कर आती हूँ जिसका जिक्र मैं इससे पहले कर रही थी। आप कैसे, भद्रा जी से जब मेरी बात हुई तो भाई ठीक है तारीख है आपने पता लगा दी, लेकिन कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, ये कैसे पता लगा, इसकी क्या प्रमाणिकता? देखिए, हमारी मेथोडोलॉजी बताने की आवश्यकता है। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वाल्मीकि रामायण, जो अपने आप को शुरू में ही कहते हैं कि मैं कंटेम्प्रेरी हूं और 4th सर्ग में कहते हैं पहले पार्ट के कि राम जैसे ही राजा बनते हैं मैं उनकी आत्मकथा, उस समय में भी राजा जब राजा बनता था तो उसकी आत्मकथा कोई लिखता था, उनकी बायोग्राफी वो लिखते हैं, तो उन्होंने शुरू में कहा है कि जैसे वो राजा बने मैं उनकी कथा लिखना शुरू हुआ, जीवन कथा। तो ये सब जो डिटेल है वो हम गए ही ऐसे हैं। नॉर्मली आपको प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में आप खोल लो, आज का स्काई दिखाई देगा, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दो, डेट टाइम दे दो, आपको स्काई दिखा देगा, मगर रिवर्स कैलकुलेशन करना एक डिफिकल्ट काम है। हमने क्या किया है कि वाल्मीकि रामायण में जो भी आकाशीय दृश्य बताए गए हैं, ग्रहों नक्षत्रों की स्थितियां जिस जगह से बताई गई है, अगर उन्होंने ये कहा कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, हमने अयोध्या का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से वो स्काई व्यू देखा।
अगर उन्होंने कहा नासिक में पंचवटी में युद्ध हुआ प्रदूषण से, तो वहीं का लेटीट्यूड, और ये लंका में, लंका में जो है वो वहीं का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लिया, इसलिए आपको जानने की जरूरत नहीं है, हमने ये वेरीफाई किया, वेरीफाई कर लिया है। तो राम सेतु तो फिर हमें लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भारत से श्रीलंका का रुख कर रहे हैं, और राम सेतु को जोड़ने के लिए राजीव निगम जी साइंटिफिकली हमारे पास सारी चीजें रखने वाले। राजीव निगम जी, फिर से आपका तारुफ करवा देती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में मरीन आर्कियोलॉजी के हेड हैं। राजीव निगम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त जुड़े हैं, वही टाइम है जब हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अब रावण का वध होने वाला है, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो चुका है। अब जरा मुझे ये बताइए, राम सेतु को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। कोई कहता है भई ये कुदरतन बन गया है, कोई ये कहता है कि नहीं, वहां पर 5 दिन में बाकायदा तैयारी की गई थी। आप ये बताइए कि आप कौन से एविडेंसेस रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है उसमें साइंटिफिकली रख सकते हैं। रूबिका जी, मैं जरा सा इसमें इंटरफियर करूं। हाँ। राजीव निगम जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, मगर वो समुद्र वैज्ञानिक हैं। वो रामायण के रेफरेंस आपको पहले बता पाएंगे ऑफ एंड, वो भी वो वहां से बैठे, आपने उनको बताया भी नहीं। तो रामायण का रेफरेंस मुझे बताने दो, फिर एक्सपर्ट कमेंट उनसे दीजिए। ठीक है, ठीक है। रामायण में रेफरेंस ये, रामायण में रेफरेंस ये है कि भाई वो सेतु बनाया गया। अब उसको जब हमने उसकी पिक्चर दिखाना चाहेंगे, हम उसकी पिक्चर दिखाते हैं, ये राम सेतु की। देखिए, आपको 3 पिक्चर दिखाएंगे, ये पिक्चर गूगल से, गूगल मैप पे अवेलेबल है, सभी दर्शक गूगल अर्थ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां यहाँ चले जाइए, इसका चप्पा चप्पा देख सकते हैं, आपको नजर आएगा कि एक नेचुरल फॉर्मेशन है। मैं अपने प्रोड्यूसर से इस बीच ये कहना चाहूंगी, हम वो राम सेतु की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जरा आप इसको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, ये ठीक है। तो इसका चप्पा चप्पा जो ये दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है कि अंडर द ओशन, जो अब भी अंडर द सी, एक नेचुरल फॉर्मेशन है। ये कहीं टापू है, कहीं पहाड़ी है, कहीं बरेती है, बीच बीच में कहीं कहीं मिसिंग लिंक है। तो बड़ी समुद्र के नीचे बहुत सारी ऐसी नेचुरल फॉर्मेशन है, और ये जो इसके ऊपर दिखाया गया, ये नासा की पहली शुरू की पिक्चर है, और आप देखेंगे कि बिल्कुल वही ये धनुषकोटी से मन्नार श्रीलंका तक है। जब हमने रामायण में इसके रेफरेंस देखे, तो हमने वापस से उसको ये पिक्चरें देखने के बाद पढ़ा, तो वहां बड़े ग्राफिक डिटेल हैं कि नल को पहले तो शैलो वाटर्स आइडेंटिफाई किए गए, रिसर्च की, राम ने 3 दिन तक रिसर्च करके एरिया आइडेंटिफाई किया, फिर नल को बुलवाया गया, वहां लिखा है कि नल वहां बहुत बड़े फेमस विश्वकर्मा जैसी फेम रखते थे, और युद्ध और पुल बनाने में उनकी महारत थी, ऐसा रामायण में लिखा है। और फिर उन्होंने ग्राफिक डिटेल दिए हैं कि कैसे वो पुल बनाया गया, एक्चुअली वहां लिखा है कि 5 दिन में 5 बार उसको 5 जगह से भरा गया। ये में कैसे पुल बनेगा? इसलिए कि ये नेचुरल फॉर्मेशन है, इसके बीच में कहीं कहीं गैप था। अच्छा। और उसके ऊपर एक लेयर देनी थी। अच्छा। तो वो जो गैप है उनको फिलअप किया गया, तो वो 5 हिस्सों में फिलअप किया गया। आपको ये भी डिटेल मिल जाएंगे कि वो क्या क्या ताड़ कौन कौन से मटेरियल, नारियल क्या मटेरियल। अच्छा, वक्त की कमी है सरोज। हाँ, तो ये वो नहीं ऐसे रेफरेंस, तो वो डाला गया, भरा गया, और वो 5 दिन बार में उसकी फिलिंग करी गई। तो वो एक सेतु निर्माण हुआ, उसका ये छोटा सा हिस्सा आप दिखता है, जो लगता है कि ह्यूमन हैंड होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ। ये थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, बाकी सारी नेचुरल फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब प्रश्न तो राजीव निगम जी को ये उत्तर देना था, ढूंढना हाँ। था हाँ। कि उस समय सी लेवल कहाँ था, इस ब्रिज वॉकेबल भी था, इसके ऊपर चला भी जा सकता था। चलिए, आप उनसे पूछिए यही सवाल। राजीव जी, ये बताइए कि ये जो पानी के अंदर डूबा हुआ राम सेतु है, ये जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, जिस त्रेता युग की हम बात कर रहे हैं, वहां पे वॉक किया जा सकता था, चल भी सकते थे कि 5 दिन में वो राम सेतु बन भी जाएगा? देखिए, पहले तो ये बता दूं मैं कि मैं पेशे से समुद्र विज्ञानी हूँ, और समुद्र तल में पिछले 10,000 साल में कैसे कैसे परिवर्तन आए, ये हम लोगों ने पता लगाया कि कब समुद्र का तल आज की तुलना में नीचे था। हाँ। और कब ये आज की तुलना में ऊपर था। ठीक है। तो अगर आप बात करें तो आज से करीब 15,000 साल पहले। हाँ। ये आज की तुलना में करीब करीब 100 मीटर नीचे था, और ये करीब 5,000-6,000 साल के पहले ये आज की तुलना में ऊपर था, कुछ मीटर ऊपर था।
तो उस समय जब आप पत्रकार मित्र ये पूछते थे कि आप राम सेतु के बारे में बताइए, तो मैं उनसे कहता था भाई मैं समुद्र विज्ञानी हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए राम का जन्म कब हुआ था, तो मैं आपको बता सकता हूँ उसमें ये पॉसिबल था कि नहीं। अच्छा, जिस समय ये सरोज बालाजी और ये पुष्कर भटनागर जी ने ये खोज की और इन्होंने डेट निकाली, ये करीब आती है 7000 साल पहले की। हाँ। उस समय सी लेवल आज की तुलना में कुछ मीटर नीचे था। हाँ। अगर सी लेवल को आप थोड़ा नीचे कर दें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो पोर्शन है तो कहीं पे वो एक्सपोज हो जाएगा और कहीं पे बड़े बड़े गड्ढे जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए ये पॉसिबल था किसी के लिए भी कि अगर आप लैंड को कनेक्ट कर रहे हैं तो उन गड्ढों को अगर भर दें तो ये लैंड कनेक्ट हो जाएगा। तो समुद्र के हिसाब से ये मैं कह सकता हूँ कि ये चीज 7000 साल के आसपास होनी चाहिए, उससे पहले, क्योंकि उसके बाद एक बार सी लेवल अगर आज की तुलना में ऊपर चला गया था तब ब्रिज बनाना बहुत मुश्किल था। और ब्रिज था मतलब ये नहीं है कि जैसे आजकल ब्रिज बनते हैं, ये वैसे ही है कि आप गड्ढों को भरकर और एक आने जाने लायक मार्ग बना दें। ठीक है, तो साइंस के हिसाब से मैं इतनी कह सकता हूँ। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, मुझे एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मजबूरी है। हालांकि इतना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है और इतनी सारी चीजें उभर कर सामने आ रही है, लेकिन एक और छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक पर जाओ उससे पहले जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से उनको वो सारी तिथियां मैं बता देती हूँ जो अभी यहाँ जी न्यूज पर उजागर हुई है। श्री राम के जन्म की तारीख मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। उसके बाद आगे बड़ा सवाल कि राम के वनवास जाने की तारीख क्या थी, वो थी 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व। ये तमाम वो बातें हैं जो बकायदा वाल्मीकि जी ने लिखी है। खरदूषण के युद्ध की तारीख 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व। उसके बाद अशोक वाटिका में सीता जी से हनुमान जी जब मिले थे वो तारीख 12 सितंबर 5076 ईसा पूर्व। उसके बाद जब हनुमान लंका दहन करके राम के पास दोबारा पहुंचते हैं तो वो तारीख 14 सितंबर 5076 ईसा पूर्व। देखिए इन तारीखों ही तारीखों में एक नई तारीख यहाँ जी न्यूज पर बन रही है जिसे हिस्ट्री कह सकते हैं।